कि आपको कोट-कोट बधाई। खुश हो बेटा, आपकी सूक्ष्म जगत की विराट सत्ता को भी कोट-कोट बधाई। खुश रहो बेटा, पसंद है। मैं एक्चुअली क्या फेसबुक पे देखा था आपका वीडियो दो तीन बार, तो मुझे जब लोग ठीक होने लगे तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हो रहा है ये। मैं उसी दिन संकल्प किया, प्रार्थना किया है कि जो भी शक्ति काम कर रही है दरबार में, कृपया करके मुझे अपना परिचय दें। तो उसी रात को आपका चेहरा दिखा, उसके पीछे भोलेनाथ और माँ का चेहरा दिखा, तो मैं उसी दिन समझ गया कि यहाँ पे सब कुछ है। तो मैं उसी दिन आपको गुरु मान लिया, और आपसे जुड़ने के लिए अपना शिष्य बना लीजिए। खुश हो बेटा, और सूक्ष्म रूप से तो आपने और गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दे ही दिया था विशाखापट्टनम, आज साक्षात दिया, उसके लिए कोट कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, बाबा से जुड़े रहिए, माँ से जुड़े रहें, सब अच्छा ही अच्छा है। दूसरा गुरु जी, मेरा छोटा बेटा है, इसको थोड़ा देख लीजिए, बचपन से ही इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं और ऑटो इम्यून है इसको। हाँ, इसके समस्या क्या है कि जहर ज़्यादा है। क्या सर? जहर, गुस्सा बहुत है, किसी की बात मानता नहीं है, हाथ पैरों में पसीना आता है, कुछ बोलो ना बोलेगा। और मैं जहर का मतलब मेरा अग्नि ज़्यादा है, हम इरिटेट होने लगेंगे, इतना वही तो अपोज करेगा। वही कहने का आशय कि अग्नि ज़्यादा है। हाँ जी गुरु जी, चला जाएगा, इसको जरा सामने लाओ बेटा, आंखें बंद करो। ओम प्रहार शुद्ध की जय। शरीर बाहर निकाल लीजिए, पूरे परिवार को तंग करता है, स्वयं तंग सबको खिला बैलेंस, जिंदगी सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सबको खिला दी, और ये आँखें निकाल ली जाए इसकी जिंदगी, शिव सबको खिला दी, दृष्टि इसकी बच्चे की दृष्टि लाई जाए स्वयं की, बैलेंस। श्रद्धा और सबूरी की गंदगी सब नष्ट कर दी जाए, सेवकाओं खिला दी जाए। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस की दृष्टि रखी जाएगी, औषध लगा जी, औषध दिया, बैलेंस। चश्मा हटाइए, अब पापा की तरफ देखिए, पापा को देखिए, पापा को इधर देखिए, कैसा दिख रहा है? धुंधला सा दिख रहा है। फिर से देखो पापा को, पापा को मेरे को देखिए, सामने टीवी पे मैं दिख रहा हूँ साहब आपको? नहीं, धुंधले हैं, थोड़ा सा धुंधला, थोड़ा सा है, बगैर चश्मे के देख रहे हो? ठीक है, बाकी साफ साफ दिख रहा है सब। हाँ। ऐसा तुमको नहीं दिखता था पहले जैसा इस समय दिख रहा है? हाँ है ना? हाँ। आप बहुत अच्छा देख पा रहे हो पहले से, बिना चश्मे के ऐसा नहीं दिखता था पहले आपको ना? नहीं। और आँखों में इसकी, पापा की तरफ देखो, अपने पापा की तरफ देखो, देखिए क्या है, इसकी आँखों में नीलिमा थी पहले, आप देखिए कैसा है, अब है नीलिमा? है? हाँ, नीलिमा हट गई है जी सर। ये बोला ना, थोड़ा जहर आपके यहाँ ज्यादा था। अभी इसकी जो ग्लूकोमा की स्मृति थी हट गई है, अदरवाइज देखिए इसका चित्र ऐसा है। ये ऐसे पाइप से देखते ना लोग, इसको साइड का देखना बंद हो रहा था, साइड का सामने सामने दिखता था सामने। जी गुरुजी, ऐसा पढ़ाई में भी बहुत वीक है गुरु, अब नहीं रहेगा अभी, देख रहे हैं इस तरह से, ये सब पाइप टाइप का है, पाइप से कुछ दिखना ऐसे बन रहा था, इसका ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। लेकिन क्या है ना कि ऊर्जा कम है आपको बेटा, एक दिवसीय में जाना होगा कभी जरूर। ओके सर, क्योंकि असाध्य वो हैं, ऊर्जा बहुत चाहिए बेटा, बाकी अच्छे रहेंगे। ये थोड़ा क्या था, थोड़ा जिद्दी हो गया था, थोड़ा मनमानापन करने लगा था, कुछ ऐसी गंदगी थी जी। अभी ठीक है, अभी बहुत ये शांत रहेंगे जी, जी, लेपन जरूरी है। गुरु जी, लेकिन एक चीज है आपसे प्रार्थना है। हाँ, थोड़ी आवाज, लेपन जो है सिर्फ दरबार से मिलता है, आवाज थोड़ा बढ़ा दो,
हाँ बेटा, लेपन जो है सिर्फ दरबार से मिलता है, और मैं विशाखापट्टनम रहता हूँ, तो आप ऑनलाइन की व्यवस्था कीजिए। कर रहा हूँ अभी, एक हफ्ते हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। मेंबरशिप वगैरह तो हम धीरे धीरे मंगा के करते रहेंगे। अभी कर लेंगे बेटा, अभी करते हैं, नहीं होगा तो ड्राई शुरू करेंगे, लोग घर में अपना उसमें गुलाब जल मिला के कर सकते हैं, उनके मेंबरशिप के हिसाब से भेज सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बेटा, करेंगे बेटा, करेंगे। गुरु जी एक छोटी सी बात, गुरु जी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आप ही हैं उसको योग्य जानने के, आप ही समझ सकते हैं। बताइए, बचपन से लेके मुझे भोलेनाथ के बहुत सपने आते हैं, और मैं उनके बहुत नज़दीकी है, 2 बार उनके गले भी लगा हूँ मैं। और दूसरा मुझे हनुमान बाबा के साथ राम रावण युद्ध के सपने आते हैं, द्वारिका के सपने आते हैं कृष्ण के देखने के, और थोड़ा साल पहले मैं तिरुपति जा रहा था तो मुझे सपना आया था, मैसेज दिया गया था कि आपको ऋषि सरंद के आश्रम जाना है जो कि तिरुपति से 160-170 किलोमीटर दूर है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो तो त्रेता युग के थे, जो भगवान राम जब थे तो उनसे मिलने गए थे वहाँ पे। तो ये मुझे क्या लिंक है पीछे से जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बचपन से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार सेम सपना कई बार रिपीट होता है, वो सेम ही सपना रिपीट होता है। एक्चुअली क्या था, आपके साथ में आपके बहुत पुराने एक एनर्जी थी, जो बहुत अच्छी एनर्जी थी ना, तपस्वी था जी, गुरु जी। उसको ये सब चीज़ें अनुभव हुआ करती थी जी, वो उसके तप का ही सब था जी, ठीक है ना जी। तो उसको जो जो अनुभव होता था वो आपको अनुभव होता था जी, गुरु जी। अब जो अनुभव होगा वो आपके दरबार की कृपा से होगा जी, गुरु जी। आपके अपने स्वयं की जो आपका जब तप जो पुराना है पूर्व जन्मों का, अब उससे होगा जी, गुरु जी। ठीक है ना गुरु जी, दीक्षा के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे बार बार आने के लिए बड़ी दिक्कत है। किसी भी पूर्णिमा में, किसी भी पूर्णिमा, हाँ वो भी शुरू होगा, वो शुरू होगा, क्योंकि विदेश में तो शुरू करना, अपॉइंटमेंट लेके कुछ प्रबंध हो जाए तो। हाँ करेंगे बेटा, कुछ करेंगे, जरूर करेंगे जी, थैंक यू, बिल्कुल करेंगे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो बेटा, मस्त, खुश रहो बेटा, हमेशा।